आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत सीनियर लीडर, लाल कृष्ण आडवाणी के। एक ऐसा इंसान जो प्रधानमंत्री हो सकता था, एक ऐसा इंसान जो संघ की पसंद थी, एक ऐसा इंसान जो बीजेपी का अध्यक्ष बना, एक ऐसा इंसान जिसने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया, एक ऐसा इंसान जो विवादों में भी रहा, लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम इन वेटिंग, खुद का ही ये जो टाइटल है इन्होंने इजाद किया है। 2004 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे पदों को छोड़ दिया था और उसके बाद बोला था पार्टी को अब लाल कृष्ण आडवाणी देखेंगे, और 2013 में फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने सारे पदों को छोड़ दिया था, वो मार्गदर्शक बन गए थे बीजेपी के। तो आज आज हम जानेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, इनकी लाइफ भी कमाल की रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। 31 मार्च तक हर कोर्स पे 60% डिस्काउंट भी चल रहा है। आप इन नंबर पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। अब लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन दस्तूर है बता देता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, इंडियन पॉलिटिशियन है, जो कि सेवेंथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा पद नहीं होता है, बस ये एक ऐसी चीज है कि नंबर दो की पोजीशन है। कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऐसा पद ना ही कोई संविधान में लिखा है, ना ही कुछ, सिर्फ एक ऐसा पद है जिससे ये असाइन होता है कि हाँ ये नंबर दो की पोजीशन पे है पार्टी में। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो संघ की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, तो इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 2002 से 2004 तक। लोकसभा से एमपी रहे हैं दोस्तों और संघ के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। आपको पता ही है दोस्तों, आज अगर हम बीजेपी को देखें तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो आरएसएस से ही निकल के आए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो। तो पहले ये संघ से जुड़े और उसके बाद जब इनका काम देखा तो फिर उसके बाद संघ ने इनको आगे किया। 8 नवंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कराची में। उस समय तो भारत में था ना कराची। आपको बता दूं दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ते थे। 20 साल तक तो इन्होंने, शुरुआती 20 साल तक इन्होंने स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा, सब इंग्लिश में पढ़ा। हिंदी नहीं आती थी इनको, हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, सिंधी और इंग्लिश ही आती थी। लाल कृष्ण आडवाणी खुद बोलते हैं ये कि 20 साल तक तो मुझे हिंदी आती ही नहीं थी। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, लेकिन जब वो संघ के संपर्क में आए उसके बाद फिर उन्होंने बहुत जो काम है वो स्टार्ट कर दिए। वहां का एक बहुत ही जाना माना स्कूल सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, वहां से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इनके पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, किशन चंद डी आडवाणी, और इनकी माताजी ज्ञानी देवी। इनके दादाजी भी संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, काफी पढ़ी लिखी फैमिली फैमिली थी दोस्तों, काफी समृद्ध परिवार था इनका, और काफी समृद्ध परिवार से आते हैं। लेकिन ये बिजनेस में नहीं गए, चाहते तो बिजनेस में चले जाते, लेकिन फिर हमको आडवाणी जी कहाँ मिलते, ये कहाँ गए, पॉलिटिक्स में। तो इनका पूरा करियर जो है पॉलिटिक्स में स्टार्ट हुआ। पार्टीशन हुआ 1947 में, बहुत धक्का लगा इनको, पूरी फैमिली जो है माइग्रेट की। सिंधी है आडवाणी, आपको पता ही है, सिंध चला गया, कहां पे, पाकिस्तान में। तो वहां से फिर ये पूरी फैमिली जो है वो माइग्रेट की और भारत में बॉम्बे में सेटल हुई, और वहां से इन्होंने अगेन एक और लॉयर लॉ की डिग्री ली, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। 1932 में इनकी शादी भी हुई कमला आडवाणी से, और इनका एक बेटा और एक बेटी भी है, ठीक है। तो ये चीज है 1965 में, ठीक है, 1965 में शादी हुई थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आडवाणी जी का करियर जो है वो आरएसएस से ही शुरू हुआ 1941 में। सिर्फ 14 साल के थे ये दोस्तों, और जब ये 14 साल के थे इन्होंने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब आप पता ही है, आपको पता ही है, संघ परिवार के अंदर 36 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। आरएसएस की पूरी हिस्ट्री हालांकि कवर की है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर ने, आप प्लीज उसको रेफर कर लीजिए, आपको आरएसएस के बारे में पता चल जाएगा। तो आरएसएस 1925 में बना था और एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन 36 ऑर्गेनाइजेशन संघ परिवार के अंदर आती हैं, जिसमें बीजेपी भी एक है, विश्व हिंदू परिषद भी एक है। तो यहां पे 1941 में सिर्फ 14 साल के थे जब ये आरएसएस से जुड़ गए।
अब आपको पता ही है दोस्तों, आरएसएस की शाखाएं हैं, इनके सेंटर्स हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। वैसे आरएसएस काफी ठीक अच्छा काम कर रही है, ठीक है। अगर हम नेशन बिल्डिंग में देखें तो उसमें भी आरएसएस का योगदान है। हाँ, कॉन्ट्रोवर्सीज में बहुत ज्यादा रहती है आरएसएस। तो दोस्तों ऐसा है कि जब ये आरएसएस से जुड़े तब इन्होंने कराची में शाखा डेवलप की। वहां पे इन्होंने शाखाओं को डेवलप करना शुरू किया, शाखाओं को एक्सपैंड करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, एक छोटा सा लड़का अगर इतनी जल्दी चीजों को समझ रहा है तो वो डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाला है। प्रचारक बने पहले फुल टाइम वर्कर, छोटी सी उम्र में सब कुछ त्याग के फुल टाइम वर्कर बन गए। और शाखा के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, आरएसएस की शाखाएं हैं, सेंटर्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स है। सुबह सुबह शाखा लगती है, वहां पर फिर बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हर कोई आता है, हर तबके का इंसान आता है। और ये शाखा आज के समय में 50,000 है, बहुत बड़ा नंबर है, 50,000 से ज्यादा पूरे देश में। हर एक जिले में आपको एक शाखा, हर एक गांव में आपको एक शाखा तो दिख ही जाएगी। उसके बाद दोस्तों श्याम प्रसाद मुखर्जी का उदय हुआ। श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। श्याम प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में इंडक्ट किया, लेकिन श्याम प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली पैक्ट के चलते इस्तीफा दे दिया, नेहरू जी से विवाद हो गए। और उसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना की। कौन से साल में बना था भारतीय जनसंघ, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की और यहां से सब कुछ चेंज हो गई। भारतीय जनसंघ जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बना, ठीक है ना। तो कौन थे इसके फाउंडर, श्याम प्रसाद मुखर्जी। आडवाणी भारतीय जनसंघ के मेंबर हो गए। भारतीय जनसंघ को विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का पूरा सपोर्ट था। तो यहां पे दोस्तों आडवाणी जी राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और जनरल सेक्रेटरी बने। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, सेकंड इन कमांड, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान में बने। और राजस्थान के बहुत जिलों में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। आरएसएस के प्रचारक थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वहां पे इन्होंने फिर एक्सपेंशन करना शुरू किया। और उसके बाद फिर इनको दिल्ली बुला लिया गया। जब इनका काम देखा कितना जबरदस्त काम है इनका, तो वहां पे फिर बड़े बड़े लीडर्स ने इनको दिल्ली बुला लिया और वहां पे फिर दिल्ली यूनिट के ये प्रेसिडेंट हो गए। तो ये बहुत जबरदस्त बात हो गई दोस्तों। तो जनसंघ के ये प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बने पहले राजस्थान में, उसके बाद दिल्ली चले गए, फिर वहां पे ये प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो जाता है। इनको राज्यसभा से, ये राज्यसभा से सबसे पहले तो चुन के आए, ठीक है। 1976 से लेकर 1982 तक राज्यसभा गुजरात से ये चुन के आए। 1982 के बाद इन्होंने सीधा छलांग मारी लोकसभा के इलेक्शंस में। देखिए दोस्तों ऐसा था कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1977 में जनता पार्टी आ गई। जनता पार्टी बहुत सारी पार्टी का विलय था, कोलिशन गवर्नमेंट थी। भारतीय जनसंघ भी इनमें से एक था। भारतीय जनसंघ के अच्छे खासे सांसद भी चुन के आए थे, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों जनसंघ की बात करें तो जनता पार्टी के साथ जनसंघ अलग हो गया था। तो जनसंघ के दोस्तों 3 सदस्यों को मिनिस्टर की पदवी मिली, इसमें से 2 लाल कृष्ण आडवाणी और 1 अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री मिली। तो 1977 में, लेकिन आपको पता ही अंदरूनी कलह के चक्कर में जनसंघ अलग हो गया, भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गया और उसने फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बना ली। यहां से कहानी जो है बिल्कुल बदल जाती है दोस्तों। अब ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, मुरारजी देसाई जब 1977 में, क्योंकि 1975 से लेकर 77 तक जो इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी के खिलाफ तो एक बहुत ज्यादा नफरत का माहौल था कि इसको तो हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। तो वहां पे आडवाणी जी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर बने। और अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी दौरे भी किए। यही वो वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण दिया, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये चीज थी, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही कद्दावर नेता थे दोस्तों। वो बहुत करीबी थे दीनदयाल उपाध्याय के, वो बहुत करीबी थे श्याम प्रसाद मुखर्जी के, एमएस गोलवलकर। दोस्तों ऐसा था कि अटल बिहारी, जब श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से हटे तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की एंट्री हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों तीन जगह से चुनाव लड़ा, जिसमें से वो लखनऊ से जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत गजब के नेता के तौर पे उभर रहे थे, उनकी एंट्री हो गई थी। लेकिन स्टिल
जो पकड़ थी वो आडवाणी के पास ज्यादा थी, यहाँ पे आरएसएस का जो पूरा का पूरा सपोर्ट था वो आडवाणी जी के पास था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब अलग हुई बीजेपी, जब अलग हुई और 1977 के दौरान ही बहुत फेमस बयान भी आया आडवाणी जी का, आपको याद ही होगा, मीडिया के लिए उन्होंने बोला था कि आपको तो झुकने को कहा गया था, आप तो रेंगने लगे। तो 1984 में जब इलेक्शन हुए तो यहां पे बीजेपी का बहुत ही खराब प्रदर्शन था, खाली 2 सीटें मिली थी, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली थी दोस्तों, ये बहुत ही खराब प्रदर्शन था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सब कुछ देख रहे थे, यहां पे एक मॉडरेट हिंदू की छवि थी अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुत्व को बहुत ही पुरजोर से ना आगे रखने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जो है वो आगे बढ़ाया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है 1986 से लेकर 1992 तक पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, अब जो पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसके बाद काफी ज्यादा ताकत है। और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हो गया दोस्तों, मंदिर वहीं बनाएंगे, आपको याद ही होगा, अभी भी ये नारा चलता है। अयोध्या में जो पूरा विवाद हुआ था, राम जन्मभूमि रामलला का जो पूरा विवाद था वो चालू हो गया, रथ यात्राएं चालू हो गई दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही है कि राम रथ यात्रा जो कि सोमनाथ गुजरात से स्टार्ट की थी 25 सितंबर 1990, जो कि बहुत सारे राज्यों से गुजर के यूपी अयोध्या में पहुंचना था, बिहार में, जहां पे लालू प्रसाद यादव ने उस रथ यात्रा को रोक लिया था, जिसमें आडवाणी सवार थे, आडवाणी पूरी रथ यात्रा को लीड कर रहे थे। और गुजरात में तो जो भी अरेंजमेंट थे वो नरेंद्र मोदी ने करवाए थे, तो नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी। तो वहां पे बहुत सारी रथ यात्राएं राम जन्मभूमि को लेके पूरी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से 1989 में, सोचिए 1984 में खाली 2 सीटें मिली थी और 1989 में ये सीटें बढ़ के 86 हो गई, राम जन्मभूमि काम कर गया, ये जो कैंपेन थी। अब दोस्तों 1984 से लेकर 1989 तक एक और चीज हुई, यहां पे राजीव गांधी जो थे उनकी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, 1984 में कांग्रेस को बहुमत मिली। अब इन 5 सालों में राजीव गांधी कभी मुस्लिमों की तरफ जाए, कभी हिंदुओं की तरफ जाए, तो ये राजीव गांधी का एक जो ये डुअल कैरेक्टर था ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था। यहां पे राजीव गांधी दोनों को खुश करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो दौर था ना, ये कम्युनल पॉलिटिक्स का भी दौर था, ठीक है ना, तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। तो यहां पे सारी पार्टियां यही कर रही थी, तो बीजेपी ने अपने आप को बड़ा राम भक्त साबित किया। अब आपको पता ही है कि राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था राजीव गांधी ने, इधर शाह बानो केस को पूरा पलट दिया था, तो मुस्लिमों को भी खुश करने की कोशिश की, हिंदुओं को भी खुश करने की, लेकिन बीजेपी जो थी यहां पे हीरो बन के उभरी और वो अपने आप को बड़ा राम भक्त साबित कर पाई। और 1989 के चुनाव में 86 सीटें मिली और इसका बहुत बड़ा श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को पूरी बैकिंग थी एलके आडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी धीमे धीमे साइड में होते जा रहे थे, बहुत लोग उनसे नाराज भी थे, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये भी अटकलें शुरू हो गई थी कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी छोड़ दे या कहीं और शामिल हो जाए, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी तो लाल कृष्ण आडवाणी है, उन्होंने एंड टाइम पे कुछ ऐसा कर दिया कि सब हक्के बक्के रह गए। बंबई में मीटिंग थी दोस्तों, यहाँ पे कार्यकारिणी बैठक थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए थे, स्ट्रैटेजीज पे डिस्कस करना था दोस्तों। तो यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपना भाषण दिया, अटल बिहारी वाजपेयी हर कोई आया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना पूरा भाषण दिया, सब कुछ बताया क्या क्या हमने किया है, लेकिन आखिरी में लाल कृष्ण आडवाणी ने बोला कि इस बार एक नारा चल रहा है, अब की बारी अटल बिहारी, तो प्रधानमंत्री के दावेदार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे जो हम इलेक्शंस लड़ेंगे 1996 के। तो दोस्तों यहां पे सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये था ही नहीं कि एलके आडवाणी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर देंगे। आप सोच सकते हैं यहां पे सब कुछ आडवाणी के पास है, उसके बावजूद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेसी के लिए आगे कर दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी को खुद भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने आडवाणी बाद में उन्होंने कवर करने की कोशिश की कि नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो आडवाणी ही जी होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा वही होंगे। लेकिन आडवाणी जी बोल दिया कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं,
जो मैंने फैसला ले लिया वो ले लिया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक बार पूछना तो चाहिए था मुझसे। तो अडवाणी जी ने बोला कि अगर मैं आपसे पूछता तो आप कभी भी राजी नहीं होते। आरएसएस काफी गुस्सा हो गई, गोविंदाचार्य आए तनतनाते हुए अडवाणी जी के पास कि ये क्या कर दिया, ये तुमको नहीं करना था, आरएसएस से पूछना चाहिए था और बाकी सबसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तब आडवाणी जी ने बोला कि कोई भी राजी नहीं होता। दोस्तों इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो आडवाणी जी एक वो खुद एक बोलते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन मैन हूं, मुझे पता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में संगठन को कैसे चला सकता हूं। वो एक अच्छे ओरेटर नहीं थे, एल के आडवाणी एक बहुत ही अच्छे ओरेटर नहीं थे। और आपको तो पता ही अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलते थे, बहुत ही जबरदस्त बोलते थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी को पता है कितने जबरदस्त ओरेटर थे। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को एक बहुत बड़ा फायदा भी था और मास अपील थी। अटल बिहारी वाजपेयी हर किसी को कन्विंस कर लेते थे और ये फिर उन्होंने साबित करके ही दिखा दिया ना। बहुमत तो भाई थी नहीं ना, 1998 को बहुमत कहाँ थी जब एनडीए चुनाव जीत के आई थी, लेकिन उन्होंने इतनी सारी पार्टीज को, जितनी भी पार्टीज थी सबको एक साथ लेके चले और किसी के साथ भी विवाद नहीं हुआ। 2004 तक उन्होंने सकुशल सरकार बनाई, तो उनकी एक मास अपील थी। दूसरी चीज ये थी कि लाल कृष्ण आडवाणी, ये बहुत सारे आर्टिकल्स में भी मैंने पढ़ा था और काफी इंटरव्यूज में काफी शोज में मैंने देखा था, तो उसमें ये बताया गया था कि लाल कृष्ण आडवाणी जिस वोट बैंक से जहां से आते थे वो मेजोरिटी में नहीं था, सिंधी थे लाल कृष्ण आडवाणी और इन चीजों का उस समय बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। तो जहां से वो आते थे वो वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं था, तो लाल कृष्ण आडवाणी को सही ये लगा कि बेटर है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नाम है वो आगे करूं। 1996 में दोस्तों फिर चुनाव हुए दोस्तों, और यहां पे तो बीजेपी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, 161 सीटें लेके आए। तो ये बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, 161 सीटें लेके आई थी, लेकिन बहुमत तो थी नहीं। वही उसके बाद फिर से गठजोड़ की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, 13 दिन की सरकार बनी। तो 1996 से लेकर 1998 तक तीन प्रधानमंत्री आए, तीन प्रधानमंत्री गए। तो 1996 का दौर दोस्तों, जिस 1996 से लेकर 1998 तक यहाँ पे तीन प्रधानमंत्री आए और तीन प्रधानमंत्री गए, तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट का जो दौर था वो चालू हो गया। और 1998 के बाद एक स्टेबल सरकार आई जब इलेक्शन हुए और बीजेपी को और अच्छा 182 सीटें मिली, तो ये तो कमाल का ही परफॉर्मेंस था। और उसके बाद फिर वो 13 महीने तक चली, एआईएडीएमके ने अपना पूरा सपोर्ट वापस कर लिया, लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 तक सकुशल जो है वो सरकार चली। आडवाणी जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और उनको फिर जीत भी मिली। आडवाणी जी का कमाल का रोल था दोस्तों इसमें। अब यहाँ पे आरएसएस का दबाव था, आरएसएस तो आडवाणी जी को ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पे आरएसएस का दबाव था। तो वैसे तो आडवाणी जी को होम मिनिस्ट्री दी गई थी, होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर सबसे बड़ी पोजीशन होती है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दबाव के चलते हुए और पार्टी दो 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 नंबर की हैसियत से उनको डेप्यूटी पीएम भी 2002 में बनाया गया। ये जैसा कि मैंने बताया कि कोई ये ऐसी पोस्ट असाइन नहीं है, बस ये यही दिखाने की कोशिश रहती है कि जो दूसरे नंबर पे ताकत है, जो दूसरे नंबर का इंसान है वो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। 2004 में दोस्तों, यहाँ पे 2002 में कुछ और भी हुआ, आपको याद होगा कि गुजरात में दंगे हुए थे। तो गुजरात में जब दंगे हुए थे तो गोवा में कार्यकारिणी बैठक थी, वहां पे मीटिंग थी बीजेपी की, और अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता ही है मोदी जी से बहुत ज्यादा नाराज थे और मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी साथ में प्लेन में बैठे थे, बात भी नहीं की थी। गोवा पहुंचे, वहां पे वाजपेयी जी का ये बोलना था कि यहाँ पे मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मोदी जी जब इस्तीफा देने आए उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो पूरे मतलब बहुत एक अप्रोर हो गया था। तो यहाँ पे फिर वो इस्तीफा दे ही नहीं पाए थे और उन्होंने मना कर दिया था। ये दोस्तों पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती है, मैं क्या बताऊं, आप समझ ही रहे होंगे मैं कहाँ क्या बोलना चाह रहा हूं। तो दोस्तों वो तो खैर ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी समय समझ में आ गया कि अगर किसी नेता की इतनी ज्यादा पकड़ है तो उससे शायद इस्तीफा लेना भी सही नहीं है। बहरहाल वो मैंने सब, जब नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी मैंने कवर की थी और वो लेक्चर अवेलेबल है उसमें मैंने पूरा कवर किया, वो एक अलग किस्सा है। तो यहाँ पे एल के आडवाणी जी 2004 और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 2004 का चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ पे एल के आडवाणी जी खुद बोलते हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा जाता है क्या जो गुजरात में दंगे हुए उसकी वजह से 2004 हारे, तो एल के आडवाणी ने बोला बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, हम 2004 का चुनाव इसलिए हारे क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, हमको लग रहा था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और दोस्तों सच बात है, 2004
2004 में जब बीजेपी हटी तो ये किसी को विश्वास नहीं हो, क्योंकि काफी अच्छा काम कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, इंडिया शाइनिंग का नारा, फिर कारगिल युद्ध, बहुत ही जबरदस्त काम था। उसके बावजूद 2004 में बीजेपी हार गई। तो यहां पे आडवाणी जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से, और सब कुछ अपना जो पूरा दारोमदार है पार्टी का वो एल के आडवाणी जी को सौंप दिया, और उन्होंने ये बोला कि अब जो पूरा काम है आडवाणी जी देखेंगे। उसके बाद वाजपेयी जी फिर आपको पता ही है, फिर उसके बाद से मीडिया में भी वो नहीं आए, स्ट्रोक पड़ा, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलने में भी वो सक्षम नहीं थे। उसके बाद फिर हाल ही में उनका देहांत हो गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी आडवाणी की बात करें तो इन्होंने फिर पार्टी को लीड किया, लेकिन 2009 में, 2009 में चुनाव हुए, अगेन बीजेपी हार गई। तो यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इन्होंने बहुत सारी यात्राएं भी दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, आपको ये भी बता दूं, ठीक है। 2011 में भी एक जन चेतना यात्रा की थी, ताकि भ्रष्टाचार से, जो भ्रष्टाचार हुआ यूपीए सरकार के दौरान, उससे लोगों को अवगत कराया जा सके। लेकिन कोई भी फर्क दोस्तों इतना ज्यादा तो नहीं पड़ा, क्योंकि नाम जो था यहाँ पे वो मोदी जी का आगे किया गया। तो 2009 में एल के आडवाणी को साफ कर दिया गया था कि इस बार अगर आप नहीं आए तो फिर हम आप पे दांव नहीं लगाएंगे। और फिर आडवाणी जी को भी पता था कि इसके बाद अब अगर नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। तो यहां पे 2009 में आडवाणी जी हार गए, मतलब अपनी, हालांकि लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर की जो सीट थी उनकी, उससे तो वो जीते ही जीते, लेकिन इलेक्शन बीजेपी हार गई। तो आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग ही रह गए, और उसके बाद फिर मोदी जी का नाम आगे किया गया, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, आडवाणी जी को धीमे धीमे साइड में कर दिया गया। 2013 में आडवाणी जी ने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, और वो एक मार्गदर्शक रहे, ठीक है, एक मार्गदर्शक रहे। और फिर उसके बाद सुषमा स्वराज, और सुषमा स्वराज के लिए उन्होंने ये बोला कि वो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थी, क्योंकि इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ये भूमिका निभाते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही इलेक्शन हारी बीजेपी, इन्होंने बोला कि अब जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और 2013 से एक तरीके से टेम्प्रेरी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे 2014 से ये मार्गदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल, जितने भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनको इस मंडल में, इस दल में, मार्गदर्शक दल में डाला जाता है। यहां पे दोस्तों 2014 से लेकर अभी तक आडवाणी जी बहुत ज्यादा तो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। आपको पता ही है जो कोर डिसीजंस होते हैं वो मोदी जी और अमित शाह ही मिलकर लेते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि हाल ही में अभी उन्होंने अपनी शायद गांधी नगर की सीट भी छोड़ दी है, तो अब वो गांधी नगर की सीट से भी नहीं लड़ेंगे, वहां से शायद अमित शाह लड़ेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि लाल कृष्ण आडवाणी को लेके ये हमेशा बोला जाता है कि जो बीजेपी इस समय अपने सीनियर लीडर्स को ट्रीट कर रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को लेके कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही है, हवाला में भी इनका एक बार नाम आया था, तब उन्होंने बोल दिया था, क्या हुआ था कि एक इंसान जो हवाला कारोबार में पूरा इन्वॉल्व था, पैसे का जो हेर फेर होता है ब्लैक मनी के लिए, तो यहाँ पे इनका नाम आया था उस डायरी में, 115 लोगों के नाम थे, एक नाम लाल कृष्ण आडवाणी का भी था। तो लाल कृष्ण आडवाणी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए थे, और उन्होंने बोला कि जब तक मेरी छवि साफ नहीं हो जाती तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 1996 का जो इलेक्शन था वो लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं लड़ा, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम लगा था। 1998 में जब सारे आरोपों से बरी हो गए तब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो ढांचा गिराया गया था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा नाम आया। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी दल थे वो इनको एज एन ऑनर पेश करते थे कि देखो हमारे साथ ये नेता लड़ा है। तो ये सब इनके साथ विवाद भी रहे हैं। बहरहाल लाल कृष्ण आडवाणी अभी 91 साल के हैं और अभी भी लीड कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी पे लेक्चर, एक ऐसे नेता जो प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन वो बने नहीं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।